नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 में जो भर्ती हुई थी उसके रिटन टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 में जो भर्ती हुई थी उसका रिटन टेस्ट एक बार ऑलरेडी फरवरी माह में कैंसिल हो चुका था, जिसके लिए 1 मार्च 2019 के लिए इसका रिटन एग्जाम होना था उसको कैंसिल कर दिया था किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण ITBP ने। उसके बाद में दोस्तों, इसकी जो नई डेट थी वो 22 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी। तो अभी आप जैसा कि सभी देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में COVID-19 दोस्तों यानी कि कोरोना वायरस का कहर टूटा हुआ है, जिसके कारण सभी एग्जाम और पूरे देश के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ कि ये ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2017 की जो रिटन टेस्ट होना था उसको लिए पोस्टपोन करना पड़ा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी आया है ये मैसेज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं? और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम आपका जो पोस्टपोन हुआ है फिर से, उसकी नई डेट क्या होगी। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, अभी आपके लिए मौका है। कुछ बंदे इसमें ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदे की बात है कि ये एग्ज़ाम जो है रद्द हो गया है और उनके लिए अभी घर में क्वारंटाइन दिया गया है। तो अभी वो लोग घर में रहकर इसकी अपनी जो रिटन टेस्ट होने वाला है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नई डेट जानने के लिए इस वीडियो को देखना एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इस समय ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर इनका जो डायरेक्टर जनरल हैं DGITBP, इनका नाम है श्री SS दयाल IPS। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो न्यूज़ में, यहाँ पर आप सबसे पहले अभी देखेंगे, नीचे हम स्क्रॉल करके इसको जाएंगे तो कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2017 रिक्रूटमेंट, डियर कैंडिडेट्स वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, ये क्या है, एक इनकी तरफ से सिग्नल दिया गया है। तो इस सिग्नल को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस सिग्नल में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो ओपन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपके लिए ये दिखाई देने लगे। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, डियर कैंडिडेट्स वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट रिटन टेस्ट फॉर कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2017 इन ITBP इज पोस्टपोन्ड टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। Fresh date for written test will be intimated you in due course of time. For any assistance, you may contact on ITBP recruitment helpline numbers, ये दिए गए हैं on working days। तो दोस्तों, आपका जो ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2017 का जो रिटन टेस्ट 22 मार्च 2020 के लिए होना था उसको रद्द कर दिया गया है, और यहाँ पर जो नई डेट होगी वो आपके लिए कुछ दिनों के बाद में बता दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी नई डेट आने का कोई भी चांस नहीं है। ये जो न्यू डेट आएगी आपके रिटन टेस्ट की, इसको कोरोना वायरस के बाद ही आएगी। इसका मतलब जब ये कोरोना का जो COVID-19 का वायरस जो फैला हुआ है पूरी दुनिया में, इस पर जब काबू पा लिया जाएगा तभी कोई भी एग्ज़ाम होगा। तो अभी ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि नई डेट आपकी कब होगी। तो जैसे ही नई डेट ITBP की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से वो डेट आप तक पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, आपके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जैसे ही आपके जो रिटन टेस्ट होने वाला है इसकी न्यू डेट ITBP अनाउंस करे और मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर केवल आपकी जो लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट है उसके रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग ही नहीं, बल्कि आपके लिए इनकी तैयारी के लिए भी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज की वीडियोस लेकर आता रहता हूं, जो कि डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं। तो चलिए दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार।